बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। ये कहानियां ही तो हैं जो जिंदगी की छोटे से छोटी सीख पर ही सहज और सरल तरीके से दे जाती है, और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन पर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्यों का होना कितना जरूरी है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। हंस और उल्लू की कहानी। बहुत समय पहले एक झील के किनारे एक हंस रहता था। एक उल्लू भी वही आकर रहने लगा। वे दोनों साथ खुशी खुशी रहने लगे। जब गर्मियों का मौसम आया तो उल्लू वापस अपने घर जाने के बारे में सोचने लगा। उसने हंस से भी साथ चलने को कहा। हंस बोला, जब नदी सूख जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब नदी सूख गई तो हंस उल्लू के पास उसके बरगद के पेड़ पर पहुंच गया। हंस जल्दी सो जाता था। तभी कुछ राहगीर वहां से निकले और आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उन राहगीरों को देखकर उल्लू जोर से चिल्लाया। राहगीरों ने इसे अपशकुन माना और उल्लू पर तीर से निशाना मार दिया। उल्लू को तो अंधेरे में दिखता था, इसलिए वह तीर से बच गया और उड़ गया। उसके बदले में वह तीर हंस को लग गया और वह मर गया। इसी कारण सही कहा गया है कि नई जगह पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।